भाभी अच्छे से सजाना। हाँ शादी हो रही है ना मेरी, बहुत बड़ा दिन है ना आज मेरी जिंदगी का, इससे बड़ा तो कुछ सोचा ही नहीं था कभी। गुलामी करनी पड़ जाएगी। वैसे भाभी हम एक सवाल तो करना भूल ही गए। अरे मैं पूछती हूँ, हमारे जेठानी जी को कुछ मिठाई विठाई पसंद है या फिर आजकल की लड़कियों की तरह खाना वाना पसंद नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, जलेबियाँ तो बड़े मन से खाती है संध्या। ओह अरे वाह, मतलब भैया तो अब रात भर जलेबियाँ ही खिलाएंगे उनको। क्यों, मिठाई की दुकान घर के नजदीक ही है क्या? बिल्कुल, मिठाई की दुकान भी नजदीक है और अब मिठाई वाला भी नजदीक रहेगा। लड़का करता क्या है? जी वो अभी तो MBA। अंकिता मेहमानों का स्वागत नहीं करना, चलो नमस्कार। पधारिए बाबू साहब, यहाँ यहाँ विराजी 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 बाबू साहब। अरे केसर दूध लाओ। लीजिए। अच्छा आप आराम से बैठिए, मैं जरा सबको। सूरज भैया की तो निकल पड़ी है, किसने सोचा था इतने ठाट से शादी होगी उनकी। अरे छोटे, मैंने बात तो बिल्कुल सही की यार,
अपने बड़े भाई की चांदी हो गई और अपनी भी नहीं, काजू खाएगा? काजू आजा। जीजू सा देखे तो कितनी चुस्ती फुर्ती है आपके हाथों में। ब्याह का लड्डू समझिए इसे, पकड़ा तभी संध्या का ब्याह आपसे करवाएंगे, नहीं तो सोचना पड़ेगा। जीजू आप लड्डू को नहीं संभाल पाए तो हमारी संध्या जीजी को कैसे संभाल पाओगे? लो जी, हमारे जेठ जी की फुर्ती परखने वालों की खुद अपनी फुर्ती में कमी लग रही है। अरे लड़कियों, कुछ मजा नहीं आ रहा, हम तो जीजूसा का मान रख रहे थे, नहीं तो अभी तक पूरे घर में जीजूसा और लड्डू बिखरे पड़े रहते। जवाई साहब, वो जो लाल साफे वाले हैं, वो क्या आप ही की तरफ से है? अरे वाह जेठ जी। मान गए आपको। चलिए भैया चलिए। राम राम सा। मैं चतुरी हूँ, आपके जवाई सा के घर पे मैं काम करती हूँ, पर काम करने वाली होकर भी ना उनके परिवार की मैं सदस्या जैसी हूँ। जी राम राम, आइए। वो तो आना ही था। हमारे सूरज सा का ब्याह है ना। मैंने देखा कितने जतन से आप लड्डू फेंक रही थी, पर कभी उल्टे पास बरेली में किसी ने खरीदा है का? अरे हमारे सूरज सा के हाथ से तो ऐसे लड्डू दिन में 500-500 निकलते हैं। हाँ, फिसलने लगे तो हो गया काम, लेकिन लड्डू ही क्यों, पेड़े जलेबियाँ, उनके हाथ की मिठाइयाँ तो आधा पुष्कर खाता है और फिर मीठे मीठे गीत गाता है। हाँ बच्चे से थे तब से मिठाइयाँ बना रहे हैं, अब तो इतने बड़े हो गए। दुकान छोटी ही सही, पर शहर के सबसे अच्छे हलवाई है हमारे सूरज सा। 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 एक बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का आईएम और एमबीए में टॉप कर चुका है। उनके हाथ की मिठाइयां तो आधा पुष्कर खाता है। आज अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है उसका, बहुत अच्छी फैमिली। शहर के सबसे अच्छे हलवाई है हमारे सूरज सा। मेहता साहब को ही बुलाया था, अभी तक आया ही नहीं। बाकी अरेंजमेंट सीख लग रहा है ना आपको, कोई भी प्रॉब्लम मुझे बता देना और आराम से खाना पीना, ठीक है? एंजॉय कीजिए। क्या हुआ अंकिता, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? सब कैसे ठीक हो सकता है अंकुर, जब एक भाई अपनी पढ़ी लिखी बहन की शादी एक हलवाई से कर रहा हो। मुझे आपसे बात करनी है। भाई जी, हलवाई थोड़े पिस्ते बादाम और मांग रहा है। हाँ दे दो। अंकिता, मैं वो
बताना ही चाहता था। कैसे कर सकते हो तुम ये अंकुर? मम्मी पापा के जाने के बाद संध्या के लिए तुम सिर्फ उसके भाई नहीं, उसके पिता की जगह पे थे। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो कि अपना सपना पूरा करने के लिए तुमने संध्या की जिंदगी बर्बाद कर दी? कहां गई वो बातें अंकुर, कहां गई, कहां गई वो बातें? संध्या, मैं तेरे साथ हूँ, हम सब एक है। हाँ, सब झूठ था, सारी बातें, सारा प्यार। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अंकिता। मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करूंगा? मैं? अरे भाई हूं उसका, मैं दुश्मन नहीं हूं उसका। माना, माना मेरा थोड़ा स्वार्थ है अपने सपनों के लिए। माना कि वो लड़का हलवाई है और हमारी संध्या थोड़ी पढ़ी लिखी, मगर उसमें उसकी जिंदगी कहां बर्बाद हो गई? अरे कौन सा उसकी शादी में किसी 50 साल के बुड्ढे या किसी अपाहिज या किसी भिखारी से करा रहा हूं? सूरज जी कितना पढ़े लिखे हैं, वो क्या करते हैं? अरे हमें तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सूरज जी उसे प्यार करेंगे या नहीं, उसका ख्याल रखेंगे या नहीं। से होता ही क्या है अंकिता? इंसान में गुण होने चाहिए, सब कुछ तो है उनके पास, क्या नहीं है? अपनी दुकान है, अच्छा अच्छा खासा परिवार है, और क्या चाहिए किसी को? तुम्हारी भी तो नौकरी थी ना अंकुर, अच्छा घर था, अच्छा परिवार, सब कुछ था, पर तुम्हें और ऐसा क्या चाहिए था कि तुम मुझे तक छोड़ देने की सोच रहे थे? तुम्हारा भी तो सपना था ना अंकुर, उसे पूरा करने की तड़प तुमने भी तो महसूस की थी ना? तो तुम्हारा सपना कीमती और संध्या के सपने की कोई कीमत नहीं? भाई इतना भी नहीं जानता कि अपने बहन के लिए पढ़ाई लिखाई उसका सपना है, उसकी जिंदगी है, तो उसका सपना तोड़ देना मतलब उसकी जिंदगी खराब करना नहीं तो और क्या है? हाँ, ये कैसा बेमेल रिश्ता है अंकुर? एक लड़की जो आईपीएस ऑफिसर बनने का ख्वाब देखती है, उसका जीवन साथी एक हलवाई, हमारे जैसे घर में रहकर संध्या उन हलवाइयों के घर में कैसे खुश रह पाएगी? पर एक बात याद रखना अंकुर, ये भाई राखी के बंधन पर किए हुए सारे वादे भूल सकता है, सारे रिश्ते, सारी जिम्मेदारियां, पर मैं नहीं भूलूंगी, मैं नहीं भूल सकती। मम्मी पापा ने मुझे बहू से बेटी का दर्जा दिया और ये बेटी इस घर की दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। ये शादी नहीं होने दूंगी। अंकिता, तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो और उसका नतीजा क्या होगा? जानती हो? मैं तो शायद जो करने जा रहा हूं उससे उसकी जिंदगी शायद ठीक कट भी जाए, पर तुम तो अपने हाथों से उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। हमारी बिरादरी में शादी के मंडप में शादी टूटने के बाद कौन थामता लड़की का हाथ? कोई नहीं करेगा। फिर क्या करोगी तुम अंकिता, क्या करोगी? अरे मैं लाख क्यों ना स्वार्थी हो जाऊं, लेकिन अपनी बहन को किसी गलत घर या गलत लड़के के हाथ में देने जितना गिरा हुआ नहीं हूं मैं। माना हमारी संध्या को शुरू शुरू में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत मुश्किलात आएंगी, लोग अलग हैं, कल्चर अलग है, सोच विचार अलग है, सब
सब कुछ अलग है, मगर बहुत कम लड़कियों को आजकल एक आदर्श ससुराल मिलता है। सबको कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। हमारी संध्या भी कर लेगी अंकिता, वो अपनी खुशियां ढूंढ लेगी वहां पर। ये जो सूरज है ना, ये हमारी संध्या की जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे, विश्वास करो मेरा अंकिता। अरे आप लोग वहां क्या कर रहे हैं? जल्दी आइए, सब आपके वरमाला के लिए इंतजार कर रहे हैं। आइए चलो। हमारी बिरादरी में शादी के मंडप पे शादी टूटने के बाद कौन थामता लड़की का हाथ? कोई नहीं। नहीं, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अपनी भाभी की जिंदगी की जरा सी भी परवाह है तुम्हें, तो लड़के वालों के सामने तमीज से पेश आना। और अगर तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी भाभी मेरे साथ रहे, तो जो तुम्हारे मन में आए तुम वो करना। आप एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हैं अंकुर, आप US अकेले जा रहे हैं। मैं यही संध्या के साथ रहूंगी। ये बात जानती हो ना तुम कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी वजह से मेरे साथ चलने के लिए मना कर दिया। वधु वर को माला पहनाइए। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।